BHU का 2015 का बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका ये लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25। ए गुड कॉन्ट्रास्ट इन वैल्यू ऑफ कलर्स इंक्रीजेस, रंगों की शक्ति में बढ़ावा किस में वृद्धि करता है? 1. कोल्डनेस, 2. हार्शनेस, 3. डलनेस, 4. विजिबिलिटी। नंबर 1. शीतलता, नंबर 2. तीखापन, नंबर 3. निरसता, नंबर 4. दृश्यता। सो द करेक्ट आंसर इज आई गेस 4. विजिबिलिटी, जिसको कहते हैं दृश्यता। क्वेश्चन नंबर 26। लोगो इज ए, लोगो कहते हैं 1. विभाग को, 2. किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को, 3. दिशा या संकेत को, 4. वस्तुओं की सूची को। लोगो इज ए डिपार्टमेंट, स्टाइलाइज नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट और कंपनी, डायरेक्शन, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 2. स्टाइलाइज नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट और कंपनी। क्वेश्चन नंबर 27। टू और मोर लेटर्स टाई टुगेदर एंड कास्ट ऑन वन बॉडी आर कॉल्ड, दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिलकर एक ही बॉडी में ढालने को कहते हैं। नंबर 1. पेयर्स, 2. कपल, 3. लिगेचर्स, 4. सेट्स। और इनमें से सही जवाब है नंबर 3. लिगेचर्स। क्वेश्चन नंबर 28। रेडियो एड्स विथ राइम्स एंड म्यूजिक आर नोन एज, रेडियो विज्ञापन जिसमें गानों और संगीत का प्रयोग होता है कहलाता है। 1. नंबर 1. सॉन्ग्स, 2. ट्यून्स, 3. गीत, 4. जिंगल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर 4. जिंगल्स। क्वेश्चन नंबर 29। 1 पॉइंट हैज, एक इंच में रहता है, 1. 12 पॉइंट, 2. 45 पॉइंट, 3. 80 पॉइंट, 4. 72 पॉइंट। एंड द करेक्ट आंसर इज 4. 72 पॉइंट। इन टाइपोग्राफी द पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजर एंड इट यूज फॉर मेजरिंग फॉन्ट साइज, लीडिंग और अदर आइटम्स ऑन द प्रिंटेड पेज। क्वेश्चन नंबर 30। मैकेनिकल प्रिंटिंग वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग कब शुरू की गई? 1556, 1857, 1930, 1660. So the first printing press operations began in Goa in 1556. That was established at Jesuit St. Paul's College in Old Goa. And the correct answer for this question, mechanical printing was started in India in option number 1 is correct, that is 1556. Question number 31. Mechanical printing was started in 1. Mumbai, 2. Goa, 3. Kolkata, 4. Delhi. And the correct answer is option number 2. Goa. Question number 32. The person who write for the advertisement, जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है, number 1. media man, number 2. poet, 3. copywriter, 4. art director. And the correct answer is number 3. copywriter. So the copywriting is the act or occupation of writing text for the purpose of advertising. Question number 33. Which was the first newspaper printed in India? भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम क्या था? 1. टाइम्स ऑफ इंडिया, 2. बंगाल गैजेट, 3. ट्रिब्यून, 4. देश। सो द करेक्ट आंसर इज हिकीज बंगाल गैजेट। हाँ, बट यू कैन चूज बंगाल गैजेट हियर, दो दे हैव रिटन लाइक शॉर्ट नेम। द फर्स्ट इंडियन मीडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द लेट 18th सेंचुरी with the newspaper Hickey's Bengal Gazette, which was founded in 1780. Question number 34.
मेजर्स ऑफ वन कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, किसी समाचार पत्र के एक कॉलम का पंक्तिमान मेजर है 1 5 सेंटीमीटर, 2 5.5 सेंटीमीटर, 3 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने लायक है कि न्यूज़पेपर के कॉलम की साइज कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है। यहाँ पे कंट्री मेंशन नहीं की है तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी कंट्री के बारे में ये पूछ रहे हैं। अगर हम वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो एक कॉलम जो होता है न्यूज़पेपर का, उसका मेजरमेंट होता है 1.83 इंचेस, जो कि लगभग हो जाता है बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाता है 46 mm। तो 46 mm का मतलब होता है 4.6 सेंटीमीटर्स। सो अगर 4.6 सेंटीमीटर अगर आपका कहीं पे ऑप्शन है तो वो सही ऑप्शन है, अदरवाइज ये ऑप्शन और ये क्वेश्चन दोनों गलत है। अगर बात की जाए इंडियन न्यूज़पेपर्स के कॉलम विड्थ की, तो इसका कोई भी साइज ऐसे सेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, ये पेपर टू पेपर डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे मिलता जुलता लाइक 4.5 सेंटीमीटर और समथिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कैपिटल लेटर्स आर नोन एज लोअर केस, शेरिफ टाइप, अपर केस, फाउंड्री। बड़े अक्षरों को कहते हैं लोअर केस, शेरिफ टाइप, अपर केस, ढलाई टाइप। तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उनको अपर केस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्राइमरी कलर इज, मूल रंग कौन सा है, 1 ब्राउन, 2 ब्लू, 3 ग्रीन, 4 ऑरेंज। तो इनमें से प्राइमरी कलर जो है वो सेकंड नंबर का है, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 37, ओरिजिनल नेम फॉर पोस्टर, पोस्टर का प्रारंभिक नाम है, 1 सिक्विस, 2 बिलबोर्ड, 3 ग्राफिटी, 4 होर्डिंग्स। एंड आंसर आई डोंट नो, सो लेट्स गो बाय ऑप्शंस। फर्स्ट सिक्विस, सिक्विस मीन्स ए नोटिफिकेशन बाय ए कैंडिडेट फॉर होली ऑर्डर्स ऑफ हिज इंटेंशंस टू इंक्वायर वेदर एनी इम्पेडिमेंट मे बी एलिज्ड अगेंस्ट हिम। सो ऑफकोर्स दिस ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द पोस्टर, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। देन वी विल मूव टू ग्रेफिटी, ग्रेफिटी नंबर 3 हियर द ऑप्शन। And graffiti, you know, with a spray paint or something, you just draw the pictures on a wall. So this is not again related to poster. And now we have 2 options, that is number 2 and number 4, billboard and hoardings. So what we can do, we can go actually to the Oxford Learner's Dictionary, where the posters having only one synonym, that is placard. And that option is not there, so we are not considering that. Again, let's go to this one, billboard. So billboard is something like a large board near a road where advertisements are put. And according to the Wikipedia, billboard, which is normally US people use this word, and in UK and many other parts of the world, they called the same thing as a hoardings. So hoardings and billboard here are like having the same meaning. So yahan pe aap dekhte hain ki billboard aur hoardings dono ka meaning same hai. America mein billboard bolte hain, UK mein hoardings bolte hain. Jo raste ke kinare bada sa board hota hai advertisement ke liye, usko bolte hain. To inme se poster jo hai वो कहीं पे भी इसका ओरिजिनल नेम इनमें से एक भी नहीं हो सकता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कमेंट्स में। 38, आउटडोर पब्लिसिटी यूज्ड ऑन हाईवे एंड मेन रोड, 1 पोस्टर, 2 हैंडबिल, 3 बस पैनल्स, 4 होर्डिंग्स। हाईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउटडोर पब्लिसिटी का नाम, 1 पोस्टर, 2 हैंडबिल, 3 बस पैनल्स, 4 होर्डिंग्स। आउटडोर के लिए होर्डिंग्स हो सकता है, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द कलर टीवी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ। ऑप्शंस 1
1984 to 1970, 1973, 1976, 1982. On this day, April 25th, 1982, Doordarshan began testing color television programs in India. This day, that year, 25th April 1982, Doordarshan started the test run of India's first color telecast. And the correct answer is number 4, 1982. Question number 40. Name of the ancient text which has distinguished 6 canons of Indian art. उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है. 1 कामसूत्र, 2 समरांगन सूत्रधार, 3 जयमंगला, 4 चित्र लक्षण. सो वो प्राचीन ग्रंथ है नंबर 1 कामसूत्र. क्वेश्चन नंबर 41. दिलवाड़ा टेम्पल इज मेड ऑफ. दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है. 1 ग्रीन ग्रेनाइट, 2 मकराना मार्बल, 3 रेड सैंडस्टोन, 4 ब्लैक बेसाल्ट. ऑप्शंस में जितने भी कलर दिए हैं, ग्रीन ग्रेनाइट, रेड सैंडस्टोन और ब्लैक बेसाल्ट, इनमें से कौन सा भी कलर दिलवाड़ा के टेंपल का नहीं है. दिलवाड़ा टेंपल जो है वो वाइट है. अब मकराना क्या है वो जान लेते हैं पहले. मकराना मार्बल इज़ अ टाइप ऑफ वाइट मार्बल पॉपुलर फॉर यूज इन स्कल्पचर एंड बिल्डिंग डेकोर. और ताजमहल भी इसी से बना हुआ है, एज वेल एज विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता का है वो भी इसी से बना है. तो इसका सही जवाब होगा 2 मकराना मार्बल. क्वेश्चन नंबर 42. खंडारिया महादेव टेम्पल बिलोंग्स टू. 1 जैन फेथ, 2 बुद्धा फेथ, 3 हिंदू फेथ, 4 अजीरिका फेथ. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हिंदू फेथ. क्वेश्चन नंबर 43. नेम द स्कल्प्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग. निम्न में से मूर्तिकार को पहचानिए. शैलोज मुखर्जी, डीपी रॉय चौधरी, 3 यामिनी रॉय, 4 अमृता शेरगिल. सो नंबर 1 शैलोज मुखर्जी, दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग नेम मेंशनड हियर. द ओरिजिनल नेम ऑफ द पेंटर इज शैलोज मुखर्जिया. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 डीपी राय चौधरी. क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वार्म ह्यू. निम्न में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है. एंड द ऑप्शंस आर 1 रेड ऑरेंज, 2 ब्लू मॉव, 3 रेड, 4 रेड मॉव. निम्न में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है. 1 लाल नारंगी, 2 नीला बैंगनी, 3 लाल, 4 लाल बैंगनी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 नीला बैंगनी, ब्लू मॉव. क्वेश्चन नंबर 45. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर पेंटिंग इज. चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है. 1 ह्यूमन फिगर मानवाकृति, 2 कॉस्टली कलर महंगा रंग, 3 गुड पेपर अच्छा कागज, 4 गुड कंपोजिशन अच्छा संयोजन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 गुड कंपोजिशन. क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट आर द जातका टेल्स. जातक कथाएं क्या है. स्टोरीज ऑफ किंग, राजाओं की कहानियां, स्टोरीज ऑफ गणेश, गणेश की कहानियां, वॉलर ऑफ काली, काली का प्रताप, प्रीवियस बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 प्रीवियस बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं. क्वेश्चन नंबर 47. द बसोहली स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज बेस्ड ऑन. चित्रकला की बसोहली शैली आधारित है. 1 फोक आर्ट लोक कला पर, 2 प्रिमिटिव आर्ट आदिम कला पर, 3 तांत्रिक आर्ट तांत्रिक कला पर, 4
मॉडर्न आर्ट, आधुनिक कला पर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, लोक कला पर, फोक आर्ट. क्वेश्चन नंबर 48, सेट स्क्वेयर्स आर, सेट स्क्वेयर होते हैं, एक स्क्वेरिश चौकोर, दो ट्रायंगुलर त्रिकोण, त्रिकोण, थ्री रैम्बॉइड, फोर सर्कुलर गोल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ट्रायंगुलर त्रिकोण. क्वेश्चन नंबर 49, नेम वन ऑफ दिस एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल फाइन आर्ट्स, सभी ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए. ऑप्शंस आर नंबर 1, टोनल क्वालिटी तान, नंबर 2, सीन डिज़ाइन दृश्य डिज़ाइन, नंबर 3, थ्री डायमेंशनैलिटी त्री आयामिता, एंड नंबर 4, रिदम लय. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, रिदम लय. क्वेश्चन नंबर 50, मैस्ट्रो पंडित रविशंकर वॉज रिलेटेड टू विच आर्ट, गुरु पंडित रविशंकर कौन सी कला से जुड़े थे. 1, डांस नृत्य, 2, सितार, 3, तबला, 4, एक्टिंग अभिनय. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सितार. इस तरह से हमने BHU का ये 2015 का क्वेश्चन पेपर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए सॉल्व कर लिया है. आशा करता हूँ कि आने वाले आपके एंट्रेंसेस में ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.